डर जो है वो निकल गया और आज यही डॉग मेरी लाइफ कंट्रोल करने वाला अगले 24 घंटे के लिए मेरी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिखे होंगे इन दो चिप्स पे, जो मेरे एक अगेंस्ट में होगा एक मेरे फेवर में होगा। अब ये एस्टन पर डिपेंड करता है कि वो मेरे अगेंस्ट वाला चूज करता है या फेवर वाला। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और टाइम है मेरे ब्रश करने का। यहाँ पे मैंने दो चिट्स बनाई है जिसमें का एक पे नॉर्मल ब्रश और एक पे नीम का दातुन। देखते हैं एस्टन क्या चूज करेगा। एस्टन आंखों नहीं आ गया पड़ेगा। ये ना चेक कर रहा है यहाँ खड़ा होकर कि मैं नॉर्मल ब्रश ना कर लूँ, इससे झूठ बोल गए। कर रही हूँ क्या देख रहा है गोल वाला देख कर रही हूँ यार। आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक्शन, एक्शन ये लो एक्शन, एक्शन। क्या खा के आया है? इसने चूज किया है गाइस करेला जूस। ये बता तेरे को कॉफी नहीं दिखी? तेरे को कॉफी नहीं दिखी तेरे को करेला जूस पियो सुबह सुबह। ये ऐसा है ना एस्टेल, मैं कुछ भी कर रही हूँ ऑप्शन के बाद जो भी चीज मेरे को करने के लिए मिल रही है ना, ये पूरा आकर चेक करने आ रहा है कि मैं वो कर रही हूँ कि नहीं करने आ रही हूँ। अगर तू बोल देगा मैं नहीं पीऊंगी तो मैं नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊ। चला गया, पीना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के नाम पे इस गरीब को आज कुछ भी ना खाने को मिलने वाला ना पीने को मिला। अब टाइम है अपने नहाने का, तो हमने दो चिट्स बनाई है। एक में नॉर्मल बात जो हम डेली लेते हैं, एक है आइस बात, वो भी ठंड के मौसम में। इस एस्टन पे मुझे अब थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। एस्टन ये ले, ओ भाई प्लीज प्लीज एस्टन प्लीज प्लीज। इसे समझ नहीं आती है मन। ओ गाइस बहुत ठंडा पानी यार। एस्टन तुझे जनता कभी माफ नहीं करेगी यार। मुझे इस पानी से नहाना है नवंबर की ठंड में यार। तुम सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो पहले, इतनी मेहनत करती हूँ मैं यार। ये बहुत ठंडा पानी है। ठंड छोड़ो, ये तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं? बेटे जी बाल तो हमारे अच्छे ही लगेंगे क्योंकि मैं मामा का अनियन शैम्पू लगाती हूँ, विच इज क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ अनियन एक्सट्रैक्ट एंड प्लांट कैरोटीन। और ये शैम्पू मेरे हेयर फॉल को रिड्यूस करके मेरे बालों को शाइनी बनाता है और ये शैम्पू की स्मेल भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं मामा का अनियन कंडीशनर यूज करती हूँ, विच इज क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ अनियन एंड कोकोनट, जो बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है। एंड गाइस सबसे मैं ये प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत हेल्दी हो गए हैं। और गाइस मामा
की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो मामा अर्थ आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक ट्री लगाता है, और मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना। मामा अर्थ के प्रोडक्ट सभी ई कॉम लाइक Amazon, Flipkart, Nykaa पर तो अवेलेबल है ही, पर अब मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को किसी स्टोर पर दिखे तो कॉमेंट करके बताना। तो गाइस इन प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ परचेस करो और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। और अब एस्टन डिसाइड करेगा कि आज मैं क्या पहनूंगी। इसमें भी मेरे पास है दो ऑप्शन, एक में है नॉर्मल ड्रेस या फिर फनी ड्रेस। मुझे जहां तक लगता है ना कि जो भी ऑप्शन आगे की तरफ होता है थोड़ा सा जो पहले पड़ता तो एस्टन वही चूज करता, तो इस बार मैं थोड़ा चिलक बनूंगी। मैं क्या करने वाली हूँ, नॉर्मल ड्रेस आगे की तरफ रखूंगी ताकि वो यही चूज करे। बहुत तेज हो रहा है। आपकी ड्रेस तो ये हमारी ड्रेस, क्या लाए हो? जा जल्दी पहन के आओ, एस्टन बाबू का वो है आदेश है, जल्दी रेडी कीजिए आप। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखना कैसी स्पाइडरमैन लग रही हूँ, मुझे देख के ना मार्वल सुसाइड कर लेगा। ये इंडिया में इसलिए दिए थे कपड़े, इसलिए बनवाए थे स्पाइडरमैन। एस्टन मैं स्पाइडरमैन के कपड़े में अच्छी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ तो बता, बोल दे। ने पहनाए हैं ये कपड़े और इसे अब अच्छी भी नहीं लग रही मैं। कपड़े तो आपने मुझे बता ही दिए हैं, अब मेकअप और बता दो कि नॉर्मल मेकअप करूं या हेलोवीन वाला करूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी खुशी, इस बार मैंने ये चिट्स बाहर ही रख दी थी, तो इसने आज ईमानदारी से चलो थैंक गॉड मेकअप तो इसने नॉर्मली चूज करा, क्योंकि वैसे ही मैं इतनी चुड़ैल लग रही हूँ और चुड़ैल वाला मेकअप करके जाती तो ये तो क्या मोहल्ले के सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते आज। तो गाइस अब वक्त है हमारे अब तक के सबसे बड़े डिसीजन का, जो एस्टन सर ने मुझे ये आउटफिट पहनाई है उसमें हम लंच जो है वो घर में लंच करेंगे या फिर इन कपड़ों में लंच करने बाहर जाएंगे आउटडोर किसी पब्लिक प्लेस में। आई डोंट नो ये क्या चूज करेगा। एस्टन ये ले ट्रीट। जिसका डर था वही हुआ, मुझे इन कपड़ों में बाहर जाके खाना खाना है पब्लिक प्लेस में। बताओ यार ये नहीं दिखना था उसको। आराम से आराम से। अरे यार योगा खाए मैं गिर जाऊंगी। एस्टन को मेरे से इतना सा भी लगाव नहीं है, मतलब मैंने इसको बिठाया पीछे की चल मेरे साथ बैठ, ये मुझे छोड़ के देख रहे हो आगे जाके बैठा है अकेले। आराम से आराम से आराम से रुक जा, चल छोले कुलचे देना एक प्लेट। ये किस किस्म का साथी है, एक तो भरी समाज में मेरा मजाक बनवा रहा है और अब इसको यहाँ रहना भी नहीं है। मुझे देख के ना लोग अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, ये क्या देख लिया हमने जीते जागते। गाइस मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के ढेर दिए हुए करे हैं,
मैंने सोचा क्यों ना एक मौका एस्टन को भी दिया जाए, तो आज मैंने सामने दो चीट्स रखी है और उन पे लिखा अलग अलग डेयर। अब देखते हैं एस्टन कौन सा डेयर चूज करेगा मेरे लिए। एस्टन गाइस देख रहे हो उसकी हरकत, मैंने दोनों डिफिकल्ट रखे थे ताकि जैसे बेईमानी ना महसूस हो, पर इसने मेरे लिए चूज किया डांस इन पब्लिक, वो भी ऐसी हालत में। वैसे डांस इन पब्लिक बढ़िया लगे, स्पाइडरमैन नाचेगा वो भी इतना मोटा भैंस जैसा स्पाइडरमैन। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अरे खा ले यार। एस्टन महाराज जो है वो हमारी वीडियो का पार्ट नहीं बनना चाहते क्योंकि वो थक चुके हैं बहुत ज्यादा, तो अब वो घर जाएं या उनको यहाँ सोना है यहाँ सो जाए, उनकी पूरी मर्जी, हम उनकी मर्जी के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और हाँ गाइस, मेरे साथ साथ एस्टन ने भी इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज उसके लिए भी यहाँ पे लाइक कर देना, तो करा दो आप लोग 1 लाख लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।